जाना है सर्विसेज में, सर्विसेज में जाने के बाद रिफंड री इशू, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस पे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। क्या दोस्तों आपका भी इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपने रिफंड को चेक करें और जिससे कि हमारा रिफंड जल्दी से जल्दी आ जाए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बन रही है इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रिफंड अवेटेड, यानी कि अभी हमारा जो रिफंड है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और रिफंड अमाउंट कितनी है, 17,845 रुपये, ठीक है। हमने चेक किया है, हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया है बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें चेक करना है रिफंड के बारे में, ठीक है। तो आपको कहाँ पर जाकर चेक करना है, तो आपको जाना है सर्विसेज में, सर्विसेज में जाने के बाद रिफंड री इशू, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस पर क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो रिफ़ंड है वो यहाँ पर रुक चुका है। यदि हमारा रिफ़ंड नहीं रुकता तो ये वाला जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये हमको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर शो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो रीज़न फॉर रिफंड फेलियर, इसमें लिखा हुआ है टैक्स पेयर टू सबमिट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि जो ITR में बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो हमने फिल किए थे वो वैलिडेट नहीं है, ठीक है। वैलिडेट से मतलब है कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसमें पैन नंबर ऐड नहीं है, ठीक है, वो रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वजह से जो हमारा रिफ़ंड है ये रुक चुका है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसमें दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर ऐड करके और इसकी रिक्वेस्ट को आप फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोबारा भी ऐसे ही करेंगे तो आपका फिर भी जो रिफ़ंड है वो नहीं आएगा। आपको जाना है डैशबोर्ड पर, ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है माई बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे माई बैंक अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे एडिड बैंक अकाउंट, ठीक है, हमारा यहाँ पर शो होना था। और इसमें भी लिखा हुआ है पैन बैंक अकाउंट IFSC लिंकेज फेल्ड, यानी कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें पैन नंबर ऐड नहीं था, तो इस वजह से हमारा रिफ़ंड रुक चुका है। और अब जैसे मान लीजिए आपका पहले बैंक में पैन नंबर ऐड नहीं था और ITR फाइलिंग के बाद, ठीक है, ITR फाइलिंग के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट में पैन नंबर ऐड करा दिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और रीवैलिडेट करना है। क्या करना है, रीवैलिडेट। रीवैलिडेट से क्या होगा, जब आपका बैंक अकाउंट में पैन नंबर ऐड हो जाएगा तो ये आपका वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये एलिजिबल है रिफ़ंड के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। मैं आपको बता दूं कैसे आपको रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना है। अब आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है रिफ़ंड स्टेटस, ठीक है, ये सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अब पहला ही इसमें NSDL की वेबसाइट दी हुई है, रिफ़ंड स्टेटस NSDL, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है, मैं इसमें पैन नंबर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना असेसमेंट ईयर। अब जैसे मान लीजिए आपका असेसमेंट ईयर 21-22 का रिफ़ंड अभी तक नहीं आया, या 22-23 का नहीं आया है, या आपका 23-24 का नहीं आया है, जिस भी असेसमेंट ईयर का नहीं आया वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ असेसमेंट ईयर 23-24। फिर उसके बाद कैप्चे कोड, कैप्चे कोड हमें यहाँ पर डालना है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ कैप्चे कोड।
डालने के बाद इसी प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अब जैसे कि हमारा रिफंड रिसीव्ड नहीं हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका रिफंड आ जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपका रिफंड आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है बैंक अकाउंट में, तो इसमें यहाँ पर शो हो जाता है कि इस डेट को इस बैंक अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र किया जा चुका है, ठीक है, यहाँ पर शो हो जाता है। हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम इसमें ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है ग्रीवेंस में, फिर उसके बाद सबमिट ग्रीवेंस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है AO। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिलेक्ट कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिफंड नोट रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट सब कैटेगरी, तो इसमें रिफ़ंड नोट रिसीव्ड ही आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, जो आप ग्रीवेंस फाइल कर रहे हैं वो किस असेसमेंट ईयर के लिए है। जैसे कि हमारा है असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में इसमें लिख देना है जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। इसमें 3000 वर्ड्स तक आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखने के बाद इसमें अटैचमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि कॉपी ऑफ फॉर्म 16A, चलान कॉपी, ऑर्डर कॉपी फॉर डिपार्टमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ग्रीवेंस है वो फाइल हो जाएगी। और ग्रीवेंस फाइल करने के बाद कुछ डेज़ के बाद जो हमने ग्रीवेंस फाइल की है उसका रिप्लाई हमें आ जाएगा। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको आपको चेक करना है कि आपका जो रिफ़ंड है वो बैंक अकाउंट की वजह से तो फेल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर वही रीज़न होता है रिफ़ंड नहीं आने का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।